गाइस गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों हो गया है 7 बजे। तो दोस्तों आज भी बहुत लेट हो गया, आज भी 7 बज गए दोस्तों। तो क्या करें, 7 ही बज जाता है, मतलब क्योंकि कल रात में एडिटिंग करते करते थोड़ा मतलब लेट हो गया रात में। तो कुछ नहीं, जितना भी टाइम बचता है उससे हमें यूज करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके तो देखिए, ये हमारा 100 डेज से चैलेंज, 14 आवर्स स्टडी चैलेंज है 100 दिनों के लिए। तो 14 आवर्स हमारा टारगेट रहता है, 14 घंटा पढ़ने के लिए, उसमें से हमें कितना घंटा पढ़ना है। तो देखिए, ये पहला दिन हमने 11 घंटा पढ़ लिए, कल हमने सेकेंड टाइम में 9 आवर्स पढ़ लिए, तो मतलब देखिए ये कम हो गया। तो आज हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ हमारा डे 3 है, तो डे 3 का शेड्यूल हम थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया है डे 3 का। तो आज 18 फरवरी 2023, तो आज ही शिवरात्रि। तो पहले सबको शिवरात्रि के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा। ओके, भगवान भोलेनाथ आपकी प्रिपरेशन को और आपके घर को, आपके परिवार को मतलब बहुत कृपा करें। ओके, तो चलिए, तो पहला हम लिख लेते हैं सीसैट। तो हमें पहले सीसैट पढ़ना है, तो सीसैट हम रात को रहता था, सब ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। ओके, तो पहले हम सीसैट पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स रहता है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, देन हमारा चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, देन हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो देखिए, और यहाँ पर कितना घंटा हमें पढ़ाई करना है। ओके, 1 घंटा हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर टिक करेंगे, 2 घंटा तक दो। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो ये हमारा स्टॉप वॉच है। ओके, तो ये हमारा स्टॉप वॉच भी स्टार्ट हो गया है, देखिए। तो चलिए हम शुरू करते दोस्तों। हमने 2 घंटा पढ़ लिए हैं और टाइम हो गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, 9:18 हो गया है। ओके, तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ी सीसेट का, आप देख सकते हैं ये वाला, तो बढ़िया है, मतलब यूट्यूब लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 14 आवर्स स्टडी चैलेंज का आज डे 3 है। तो सुबह का हमने 2 घंटा हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, और भी 12 आवर्स हमें पढ़ना है, देखते हैं आज कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो सीसेट हमने पढ़ लिए हैं और अभी हम थोड़ा ब्रश करेंगे। ओके, ब्रश करके हमारा जो ब्रेकफास्ट है हम कर लेंगे। ओके, अगर हुआ तो देन फिर से हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम ब्रश करते हैं अभी। 9:38 हो गया है और अभी हमने ब्रश कर लिए हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो थोड़ा देर से बनाएंगे शायद, तो अभी हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो अभी हमारा करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, विजन आइस मंथली कंपाइलेशन का। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉप वॉच भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों 2.5 घंटा हो गया है और टाइम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी टाइम है, 12:54 हो गया है। ओके, तो इसी बीच हमने करंट अफेयर्स, विजन आयस का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। तो देखिए, ये हमारा सोशल इश्यू जैसे कि हमारा कहाँ गया, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, ये थोड़ा मतलब इंट्रो ही हम पढ़ रहे हैं। देन हमारा राइट टू हेल्थ क्या है, क्यों न्यूज में आया है, की फीचर्स ऑफ RTH, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन हमारा न्यूज इन शॉर्ट्स में क्या क्या है सोशल इश्यू के बारे में,
रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज, रिव्यू ऑफ लॉज एंड अडॉप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन, देन पालन 1000 क्या है, देन हमारा वुमेन साइंटिस्ट क्या है, उसके फीचर्स और कितना मतलब निकलते हैं वुमेन साइंटिस्ट, देन हमारा यूजीसी ई समाधान पटल क्या क्या समाधान होता है, फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो कि मंडला है हमारा मध्य प्रदेश का, देन हमारा प्रोग्रेस ऑन वास इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज 2021 रिपोर्ट, देन हमारा एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट, कौन ये रिपोर्ट कौन देता है, हमारा NCRB नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, देन हमारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, तो उसके बारे में है। ओके, देन हमने पढ़ लिया हमारा सोशल इशू, ये सोशल इशू नहीं, हमारा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में आता है हमारा 5G स्पेक्ट्रम क्या है और हमारा जीनोम सर्वेलेंस क्या है, देन आता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस TB जो जीविस को हम बोलते हैं, देन हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs, देन हमारा न्यूजीन सोर्स, तो क्या क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ये हमारा ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन एनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा, देन हमारा स्मार्ट इंडिया हैकथन, देन हमारा ITU रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, ओके, देन हाइड्रोजन फ्यूल बस क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका चैलेंज क्या है, ओके, एप्लीकेशन कैसा होता है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल बस का, ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं डायरी में, तो यहाँ पर हम 2 घंटे ही ऐड कर लेते हैं, ओके, तो हमने 4 घंटा हमने पढ़ाई कर लिया, ओके, तो अभी बाकी है हमारा और भी 12 आवर्स, तो चलिए अभी जाते हैं नहाएंगे और थोड़ा हमारा एडिटिंग वगैरह है वीडियो, उस समय एडिटिंग करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, ओके, देन हमारा पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, तो चलिए हम जाते हैं नहाने के लिए। दोस्तों अभी हमने नहा लिए हैं और अभी टाइम यहाँ पर 1:54 अराउंड 2 बजे, तो अभी हम जाएंगे हमारा लॉन्च करने के लिए, ओके, तो लॉन्च के बाद हमारा ये सेशन हुआ, ये हम कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए पहले खा लेते हैं ये, तो 2:48 हो गया है, ओके, तो अभी हम अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे, तो पहले इस बोतल में पानी भर लेते हैं, तो ये हमने भर दिया, तो यहाँ पर स्टॉपवॉच हम लगा लेते हैं, तो ये हमारा लग गया है, तो अभी हम कंटिन्यू 4 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, तो 4 घंटे में दोस्तों हमने पॉलिटी पढ़ना है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर, देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, तो अभी हम 4 घंटा पढ़ाई कर लिए हैं और हमारा 12 घंटे रह गया है, तो देखते हैं हम कितना हम पढ़ सकते हैं 14 आवर स्टडी चैलेंज में, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों शाम हो गया है, शाम का 6:30 और हमने 3 घंटा हमने पढ़ाई कर ली है, तो 3 घंटे में दोस्तों हमने ख़त्म कर लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, तो उसका अबाउट सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, देन नेचर एंड एडवाइस ऑफ नेचर ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारा काउंसिल सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर के लिए, देन अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और नॉन रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है और कैबिनेट मिनिस्टर क्या है और उसके बीच डिफरेंस क्या है, ओके, तो देन उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, कैसे एडवाइस देते हैं, और ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर, सैलरी क्या है और ओथ किसके सामने लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, ओके, देन कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंपोजिशन क्या है, देन रोल ऑफ कैबिनेट क्या क्या रोल है कैबिनेट का, देन किचन कैबिनेट क्या है, ओके, देन आर्टिकल्स रिलेटेड टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट ए ग्लांस। तो कौन सा आर्टिकल है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर 3 घंटा हमने पढ़ाई कर ली, तो यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं अपने डायरी में 1, 2, 3। तो टोटल हमने पढ़ाई कर ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओनली 7 आवर्स, और ये हमारा 6 बज गया है। तो देखते हैं आज कितना टाइम हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए थोड़ा बाहर घूम के आते हैं माइंड फ्रेश के लिए। तो आए हैं बाहर को टहलने के लिए, और ये साथ में एक ब्रेड लेके आए हैं दुकान से, और थोड़ा भूख लग रहा था तो हम दुकान से इसे खरीदें और थोड़ा घूम घाम के जाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, अंधेरा अंधेरा होगा, अंधेरा अंधेरा लग रहा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। तो अभी जा रहे हैं हम पूजा करने के लिए 13 नंबर CDH 13। तो वहाँ पर हमने दिया जलाना है आज शिवरात्रि के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं, वही रास्ते में है, बस थोड़ा ही दूर है, तो वहाँ शायद हमें रात भर वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो हम साथ में टेबलेट भी है वहाँ पर, तो दिया साथ में जलाएंगे, दिया साथ में वहाँ पर पूजा भी करेंगे। आज हम दिया जा रहे हैं, और उसके साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं टैबलेट से, तो दोनों हम साथ में कर रहे हैं। तो देखिए कैसे दिया जला रहे हैं, सभी सही बैठे हैं यहाँ पर सब लोग। यहाँ पर हम यहाँ पर 3 बज चुके हैं, देखिए सुबह का 3 बजे है। तो दोस्तों सुबह का देखिए सुबह का 5 बज गया है, तो अभी अभी हम लौटे हैं दीप जला के, तो सुबह हो गया 4 बज गया, मतलब 5 बज गया। तो बहुत भूख लग रहा है, अभी थोड़ा खाएंगे, मतलब सुबह हम डिनर करेंगे। तो चलिए ब्रश करके थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि हम मतलब रात को डिनर नहीं हुआ था हमारा, अभी हम डिनर करेंगे। देखते हैं क्या है खाने में, खिचड़ी है और यहाँ पर खिचड़ी। तो एक मिनट इसको गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्व कर लिया, तो अभी हम खाएंगे, तो सुबह हमारा डिनर हो रहा है, तो चलिए इसे हम खा लेते हैं। दोस्तों तो अभी हम डिनर करके आए हैं सुबह का, तो टाइम हो गया देखिए सुबह का 5 बजे।
ओके तो चलिए हम क्या क्या हमने पढ़ लिया देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म हो गया पूरा। ओके तो उसका जितना भी विवरण था अबाउट नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजंस, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, देन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये हमारा नॉन लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, देन हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन हमारा कैबिनेट। ओके देन ये हमारा ख़त्म हो गया, हमारा चीफ मिनिस्टर भी ख़त्म हो गया। देखिए चीफ मिनिस्टर भी हमने ख़त्म कर लिया। देखिए अबाउट ये ऑथ टर्म एंड सैलरी, देन आर्टिकल रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर एट ग्लांस, देन पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर का पावर क्या है, फंक्शन क्या है इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये इन रिलेशन टू द गवर्नर, और ये इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, और अदर पावर एंड फंक्शन एंड रिलेशनशिप विद द गवर्नर, गवर्नर से उसका रिलेशनशिप क्या है। ओके देन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कैसे होते हैं, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। देन हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। तो सारे हमने ख़त्म कर दिया वहाँ पर बैठ बैठ कर, दोनों काम साथ में हो रहा था, पूजा भी हो रहा था और साथ में हम टैबलेट लेके इसे हम ख़त्म कर रहे थे। ओके तो देखिए अबाउट और नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, देन ऑथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर, देन कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, देन अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके देन आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, देन आर्टिकल 164 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, देन आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 167 ड्यूटी ऑफ बिजनेस मिनिस्टर, देन राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट, आर्टिकल 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउस। ओके देन हमारा कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी और उसका रोल क्या है। ओके तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया। देन हम पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट्स का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि हमारा देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, देन सैलरी कहाँ गया, सैलरी, सैलरी एंड अलावेंस, देन मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या, उसका फंक्शन क्या है, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन, और ये एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस, देन फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शंस, देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन, देन जुडिशियल पावर एंड फंक्शन, देन हमारा इलेक्ट्रल पावर एंड फंक्शन, देन हमारा अदर पावर एंड फंक्शन, देन आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ द टू हाउस। तो ये था हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए थे, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और ये कंपोजिशन ऑफ लोकसभा हमने ख़त्म नहीं किए हैं, और भी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा ख़त्म हो गया, और चीफ मिनिस्टर हमारा ख़त्म हो गया, देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी ख़त्म हो गया, और ये पार्लियामेंट हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। ओके दोस्तों वहाँ पर हमने करीबन 10 बजे से, मतलब 9:30 बजे गए थे, करीबन 10 बजे से स्टार्ट करके हम 3 बजे तक पढ़े, मतलब 5 घंटा कंटिन्यू हमने पढ़े। ओके तो यहाँ पर हम 5 घंटा ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आवर्स हमने पढ़ाई किया, 3 बजे से थोड़ा सो गए थे, 3 बजे से मतलब
4:30 बजे तक हम सो गए थे। तो बस हमने 12 आवर्स हमने पढ़ लिए। ओके तो चलिए अभी जाते हैं सोने के लिए। तो सोने के बाद आज पता नहीं कितने बजे उठेंगे क्योंकि सुबह का हो गया है 5 बजे। ओके थोड़ा और थोड़ा एडिटिंग भी करना है, थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके हम सो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल कल के व्लॉग में।